हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं बालकनी में। पहले वाले ब्लॉग में मैंने बोला था आप लोगों से कि पूछती हूँ क्या खाएंगे लोग, फिर सबसे पहले पूछा तो सबको गुलगुला खाना था। फिर वापस से मैंने बनाया, शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले ही शूट किया था। अभी मैं मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों ऐसे ही? ऐसा क्या हुआ बताओ। सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, लग रहा है आप बहुत पतली हो गई हैं। एक वेट मशीन लाते हैं, दिखा देते हैं। वो मुझे भी लग रहा है कि मेरा वेट लॉस हुआ, इसीलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर आपका वेट लॉस होता है ना तो आपके फेस पे भी इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। एक काम करते हैं, मैं तुमको 1 लाख रुपये देता हूँ, जाके शॉपिंग कर लो। जितना वेट लॉस हुआ है सारा गेन हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, मैं ही मिलती हूँ ना मजाक करने के लिए। नहीं मजाक नहीं है, सीरियसली। लेकिन 1 घंटे में 1 लाख रुपए खर्च होने चाहिए। लग रहा है कोई वो उस टाइप का कोई वीडियो दे देखी है क्या? नहीं, कोई वीडियो नहीं देखा है। कोई वीडियो नहीं देखा है। सच्ची तो सही में दे रहे हैं? हाँ सच्ची में दे रहा हूँ, 1 लाख दे रहा हूँ, 1 घंटे में खर्च होने चाहिए। ठीक है, अभी जाती हूँ, एक आईफोन लेके आ जाती हूँ। हाँ। क्योंकि और तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि नहीं, क्या? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट होने से कुछ भी हो सकता है। तो पैसा पहले दीजिए। हाँ दे रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा देखो कितना ले, 500 हजार रुपये ला के देंगे और 1 लाख की शॉपिंग करा रहे हैं। 1 लाख की शॉपिंग, हवा बहुत अच्छी चल रही है। और हेयर मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि एकदम गीला हो गया था, उसी में थी बना रही थी किचन में। बाहर हवा इतनी अच्छी है और अंदर जो है ना पूरा गरम गरम सा लग रहा था, तो किचन में इतना ज़्यादा कि पूरे मेरे हेयर अंदर से गीले हो गए थे। और गीले जब हो जाते हैं ना तो पता है वो फिर टूटने लगता है, फिर जब तक सूखे ना अच्छा नहीं लगता। सही में लेके आ रहे हैं क्या? मेरा कैमरा भी ऑन है, मैं कट नहीं करूंगी कुछ भी। दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं। जल्दी आइए भाई। अरे ये क्या यार, ये क्या सच में, ये भगवान। अब 1 घंटे में खर्च होने चाहिए। टाइम क्या हो रहा है अभी मैं देख रहा हूँ। रुको, टाइम मैं ऊपर से देखती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 5:41 खर्च हो पाएगा? अरे यार वेट गेन हो जाएगा, किसी काम के लिए रखे गए होंगे। अब नहीं होगा कि नहीं होगा ऐसा तो, आपको लगता है मैं ऐसा करूँगी 1 लाख रुपए मैं खर्च करूँगी शॉपिंग में? कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिल्ली गई थी तब मैंने, हाँ जब शादी का शॉपिंग करना था तब मैंने किया था। दिल्ली गई थी तो 3 लाख रुपए की शॉपिंग मैंने की थी। लेकिन अभी मैं परिवार हो गया है, जिम्मेदारियाँ हो गई हैं, तो इसलिए अब मैं पैसे ऐसे नहीं खर्च करती हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आपका मन है तो चलती हूँ, आज खर्च कर दूँ। देखिए दोस्तों ये मुझे मिला है 1 लाख रुपया। चलते हैं, तैयार हो जाओ? एकदम रेडी। पक्का? हाँ भाई पक्का। अगर तैयार होने के बाद ये मुझे लगा कि मजाक है। मजाक तो नहीं, ये तो तुम्हारे तो फिर मैं ये तो सारा का सारा तुम्हारे ही हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी। तो फिर मैं अनशन पे बैठ जाऊंगी, इसलिए नहीं कि शॉपिंग करना है, मैं निकलूंगी बाहर इसलिए। पक्का? चलिए दोस्तों पैसे मिल के चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ सोने, चल रहा हूँ मजाक करता। 1 लाख की शॉपिंग अभी मम्मी से भी बताती हूँ। हो चुकी हूँ रेडी, लग रहा है सच में ये मुझे इतने पैसे खर्च करवाए जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, समझदार हूँ, जा रही हूँ, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेकर के आ जाऊँगी। ऐसा नहीं, मुझे पता है ये भी मजाक ही कर रहा है, सीरियसली कोई थोड़ी बोलेगा यार, किसी काम से ही आ रही है। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, पर मैं इनको बताऊँगी नहीं, बोलूँगी लेके जा रही हूँ सारा शॉपिंग ही करने, देखते हैं। और चीज़ें पसंद कर लूँगी बहुत महंगी महंगी, देखती हूँ कितना शूट हो पाता है। महंगी महंगी चीज़ें पसंद कर लूँगी और उनको लगे कि हाँ सही में ही मैंने सीरियसली ले लिया। अगर ये मेरे से मजाक कर रहे हैं तो इनको लगे कि मैंने सीरियसली ले लिया। मैं पता नहीं चलने दूँगी कि मैं मजाक कर रही हूँ।
ये मैंने ये पहना, ये वाली कुर्ती, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका भी लिंक आप सबको मिल ही जाएगा। चलिए ब्लॉग में तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। आप लोगों ने जो कुर्ती मैंने पहना था वो बहुत पूछा था, और ये भी कुर्ती मुझे पता है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आई। तो जो मुझे पसंद आती है चीजें वो आप लोग को तो आती ही आती है। आज मैं जो आपको ड्रेसेस दिखाऊंगी, और ये भी, और जो मैंने इसके पहले पहना हुआ था, वो सारे मैंने मंगवाए हुए हैं अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन पे 5th से लेकर 9th जुलाई तक अल्टीमेट ब्रांड सेल चल रहा है, जिसमें आपको मिनिमम 50% प्लस एक्स्ट्रा अप टू 5% ऑफ मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% कैश बैक भी मिलेगा फॉर प्राइम मेंबर, मतलब जो इन्होंने प्राइम मेंबरशिप लिया है उनके लिए एक्स्ट्रा 10% कैश बैक भी है। तो ये सेल जो है ना, मिस आउट ना हो, आप देख लीजिएगा आपको जो भी पसंद आता है। तो फर्स्ट जो है कुर्ती, ये है कॉटन की है, ये फैब्रिक इसका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाला है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसका मुझे मंगाने का रीजन पता है क्या था? मैक्सिमम मैं कुर्तियां मंगाती थी तो स्लीव इसकी यहाँ तक आती थी, और ये वाली स्लीव जो है ना, ये शॉर्ट स्लीव है, यही तक की है। तो मेरा बहुत मन किया कि ये वाला मैं मंगवाऊँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। नेक पे इस तरीके से पाइपिंग बना हुआ है, फ्रंट में सिर्फ ऐसे थोड़ा सा डिजाइन दिया हुआ है, और पूरा कुर्ती जो है सेम यही प्रिंट है, फ्रंट से बैक से लॉन्ग में है। मैं साइड में लुक बुक भी लगा दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और साइड में लुक बुक से याद आया, मेरा सिल्वर प्ले बटन भी यहाँ पे मैंने रख दिया है, अच्छा लग रहा है। इसको मैं कहीं अपना सेटअप बनाऊंगी, जल्दी ही बनाऊंगी, अभी तो घर में काम ही हुआ है तो इसलिए मैं नहीं तुरंत बना रही हूँ। बनाऊंगी अच्छा सा सेटअप, फिर मैं वहाँ पर इसको लगाऊंगी। वॉल भी तो देखना है कौन से वॉल पर लगाऊँ, तो इसलिए तो साइड में लुक बुक मैंने लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड जो है मैं आपको वही दिखाना चाहूँगी जो मैंने पहना था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये वाली कुर्ती है, मैरून कलर की है, और इस पर फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है पूरा। इसमें मेन इसका जो अच्छा लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, इसमें जो फ्रंट दिया हुआ ना, इस तरीके से लेस लगी हुई है पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये वाला लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और फ्रंट में इस तरीके से यहाँ पर भी लेस थोड़ा डिफरेंट कर दिया लगा हुआ है, स्लीव पे भी इसी तरीके से आपको लेस लगी हुई मिल जाएगी। तो ओवरऑल इसका जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लॉन्ग सूट है ये, फैब्रिक जो है इसका कॉटन है, बैक से बिल्कुल सिंपल ही फ्लोरल प्रिंट है, और इसका पैंट जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, प्लाजो है, पॉकेट नहीं दिया हुआ है इसमें, सब में हम पॉकेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, अच्छा लग रहा है तो एडजस्ट भी कर सकते बिना पॉकेट का भी। तो ये भी सेम प्रिंट है, ये प्लाजो पे भी इस तरीके से लेस वर्क हुआ है। तो ये सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, अब पहना था मैंने तो आप लोगों ने तो लुक देखा ही था, लेकिन फिर भी मैं साइड में लगा दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा किसका कैसा लुक आ रहा है। वीडियो तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, पहले ही पहन चुकी हूँ इसको, मैं जिस दिन आया उसी दिन मैंने पहना, और ये भी आज ही आया, आज ही मैंने इसको पहना है। थर्ड जो है फैब्रिक इस बार का बहुत अच्छा आया है, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, यही कॉटन फैब्रिक में है, ये स्लीवलेस है, गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो स्लीवलेस चलता ही है। प्रिंट इसका कितना प्यारा लग रहा है, कलर इसका कितना प्यारा है, और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फ्रॉक पैटर्न में है, ये फ्रॉक सूट है, लेकिन फ्रंट में आपको इस तरीके से पूरा बटन मिल जाता है, देखिए यहाँ तक भी पूरा बटन लगा हुआ है इसमें ये, और फ्रंट से थोड़ा सा नीचे साइड से ओपन दिया हुआ है, बैक से भी सेम प्रिंट है ये, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये जितना भी अभी मैंने मंगवाया ना, सारे का फैब्रिक बहुत अच्छा है, और प्रिंट इसका, डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा है। साइड में मैंने लुक लगा दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग साइजेस मिल जाएंगे, कलर भी मिल जाएगा। एक और सूट, ये सेकेंड टाइम मैंने मंगवाया, ये भी इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत अच्छा है सारे का ही, और इसमें वी नेक है, और यहाँ पर भी लेस लगी हुई है, पूरा सूट जो है ना इसका सेम ही प्रिंट में आएगा। इसमें भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फ्रंट से बैक से पूरा इसी तरीके से प्रिंट आएगा। लॉन्ग सूट है ये, कंफर्टेबल है, और इसके साथ में ये आता है इसका पैंट, इसमें पॉकेट दिया हुआ है एक साइड में। इसमें मैंने देखा था कई सारे कलर्स थे, बट पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला लिया, ग्रे कलर में है ये, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और सेल चल रहा है तो फिर उसके लिए तो बेस्ट ही है ना, सेल चल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिर मैंने ये अगेन ऑर्डर किया है, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं, जैसे अब ये ड्रेस है, इसमें कभी मैं 3-4 मंगवा चुकी हूँ, और एक और सूट था उसमें कभी 3-4 मंगवा, ऐसे कई सारे होते हैं, तो मैं मंगवाती हूँ और लोगों को पसंद आता है तो फिर दे देती हूँ, फिर वापस मैं मंगवाती हूँ। एक पर्पल कलर का था, वो भी मैंने 2-3 बार मंगवाया था, 3 बार मंगवाया था, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी स्लीवलेस है, और फैब्रिक इसका क्रेप पे है, बट ये है कि ना सॉफ्ट वाला है, गर्मियों में आपको फील नहीं होगा,
नेक पे इस तरीके से गोल्डन लेस लगी हुई है। साइज मेरा एम है और थोड़ा सा ये फ्रॉक पैटर्न में है। प्रिंट इसका इस तरीके से है, प्रिंट इसका बड़ा प्यारा लगता है। बैक से भी सेम आपको प्रिंट मिल जाएगा। ये इसके साथ में ना प्लाजो है, वो घेर वाला, मैंने अभी इस पे वेयर किया हुआ है तो मैं साइड में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो काफ़ी कंफर्टेबल है वो भी और अच्छा लगता है ऐसे कुर्तियों पे ना, ऐसे पहनो तो अच्छा लगता है। और इसमें आपको दुपट्टा भी मिल जाता है, दुपट्टा ये है। दुपट्टा बिल्कुल सिंपल ही है, बस थोड़ा सा इसमें गोल्डन टच दे दिया हुआ है और नीचे इस तरीके से टेसल्स लगे हुए हैं। दुपट्टा साइड है तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत लेंथ वाइज बहुत बड़ा है, नहीं नॉर्मल ही है। और पैंट मैंने इसका पहना हुआ है तो मैं साइड में लुक बुक लगा दे रही हूँ, पूरा लुक आपको देख लीजिएगा। और एक मैंने मंगवाया हुआ है ये साड़ी, रेडी टू वेयर साड़ी है ये, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इस पर कौन सा ब्लाउज पहन के दिखाऊंगी कि ब्लाउज तो स्टिच है नहीं, इसका ब्लाउज ये है। और बहुत ही अच्छा, पहले मैंने देखा ना तो मुझे लगा इतना बड़ा, मतलब इसका कवर जो है ये वाला, मैंने सोचा इतना चौड़ा, लेकिन नहीं, इसमें आपको ना इस तरीके से मिल जाता है कई सारा, जो आपका साइज है आप उस साइज पे लगा सकते हैं। और पूरा प्लेट्स बना हुआ है इसमें, बस आपको ये वाला जो आंचल वाला प्लेट है ना वो बनाना पड़ेगा। इसका प्रिंट भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने रेडी टू वेयर साड़ी मंगवाया है तो मुझे इतना कम्फर्टेबल लग रहा था ना कि मैंने तुरंत ही इसको पहना और तुरंत एक सेकेंड में पहन लिया, टाइम ही नहीं लगा। ये देखिए प्लेट्स बने हुए हैं इधर, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये प्लेट बना हुआ है। लेंथ वाइज भी साड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको छोटी पड़ेगी। और इसमें भी शायद आपको ना कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। सही है, ब्लाउज मैंने अभी सिलवाया नहीं है इसका तो मैं किसी और पे ही लुक ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को लुक दिखा सकूँ। साइड में मैं लगा दूंगी। इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और अल्टीमेट सेल चल रहा है 5 से लेकर 9 जुलाई तक अमेजोन पे, तो आप जरूर इसमें से जो भी पसंद आता है वो ले सकते हैं और काफी अच्छे प्राइस में ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। मैंने अभी जब ये साड़ी पहना ना तो मैं शायद भूल गई हूँ बताना, फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक है और इसमें आंचल में ना इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। पहनने में इतना इजी है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा पहनने में। मुझे लगता है आपको ये साड़ी जरूर ट्राई करना चाहिए। इस पर क्या ब्लाउज स्टिच नहीं है इसलिए मैंने डिफरेंट पहना हुआ है, बट फिर भी इस पर मैच जा रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है साड़ी रियल में। बहुत तो जीरो पे ही रहेगा, आने में तो समय लगेगा। एक लाख की शॉपिंग, हाँ एक लाख की शॉपिंग। अब देखिएगा कैमरा चल रहा है, अगर नहीं कराया आपने देखो कोई है। मुझे 1 लाख की शॉपिंग चाहिए, मतलब चाहिए। फैन लग गया क्या अंकल जी? पंखा लगवाए क्या? अरे पंखा है तो हाँ, साड़ी कर दिए ना, कहाँ से चाहिए, तो बर्बाद नहीं रहे। अंकल जी बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, फैन लगवा लिए है सही। अभी बोलती हूँ चिपकली, मौसम मस्ताना, दिल है दीवाना। हम 1 लाख की शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो भी स्कूटी से। अगर कोई मेरे बैग से पैसे निकाल लिया तो, कार से चलते तो नहीं निकाल सकता था ना, उसको थोड़ी पता है कि तुम्हारे पास क्या है। हम बताते चिल्लाते हुए जाओगे तो जरूर निकाल लेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि मैं 1 लाख की शॉपिंग करने जा रही हूँ। कमाल करती हो। क्यों 1 लाख की शॉपिंग नहीं करवा रहे? अरे हाँ। बारिश हो रहा था तो डर भी लगता है, सारी चीजें मिल जाएंगी तो फिर हम चलते हैं। बस यही यही तक हो सकता है, जिम्मेदार हुए बहुत अच्छी रहेगी। देखते हैं कि 1 लाख रुपए में कितना तुम पूरा ट्रक लेके जाती हो, क्या हाँ। ट्रक भर के हाँ। ले जाओगी? सही कह रहे हैं, कुछ तो बड़ी चीज लूंगी मैं जो 80,000 की हो और बाकी 20,000 का कुछ और जरूर आएगा। अभी तो मेरे पास सब कुछ है, घर गाड़ी है, सब कुछ है, माँ भी घर पे है, तो अभी तो ऐसा कुछ नीड नहीं है। स्मार्ट हो तो देखेंगे भाई। इन्होंने पैसे दिए ज़रूर थे लेकिन उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि मैं ऐसे कभी भी खर्च नहीं करूँगी और मैं खुद भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ।
इतना मैं नहीं आगे बढ़ सकती, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। देखिए जिस जो भी इंसान हो कोई भी जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती है ना, वो ये सब चीज़ें फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करता है। मेरी तो चीज़ें बहुत कम परचेज होती हैं क्योंकि मैक्सिमम मुझे मिल जाता है, तो मुझे परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्रेसेस हो गए, मेकअप हो गया, क्या चाहिए होता है, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मिल ही जाती हैं। वाशु का बस लेना रहता है मैक्सिमम, तो मैं वाशु का ही लेने जाती हूँ और इनका। तो मैं आ गई हूँ, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले रही हूँ। कुछ बर्तन भी मुझे लेना था वो भी मैंने लिया, कुछ बॉक्सेस लेने थे वो सब लिया मैंने। मुझे ना एक चीज़ चाहिए, आर्टिफिशियल प्लांट चाहिए लेकिन वो बहुत बड़ा सा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन मैंने देखा तो ऑनलाइन बहुत महंगा दिखा रहा था, फिर समझ नहीं आता कि उसकी हाइट कितनी है, उतना बड़ा आएगा जितना हम सोच रहे हैं या नहीं। अभी तो मैंने उसको पेंडिंग में छोड़ दिया है, कभी मैं जाऊँगी नई सड़क उधर पर प्लांट्स के काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप्स हैं अंदर एकदम जा करके, तो मैं जिस दिन एकदम फ्री रहूँगी ना तो वहाँ पर जाऊँगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, दे रहे बाल उड़ रहा इतना छोटू सा है ना, ये चार्ज करने वाला है, कहीं भी सफर कर रहे हैं, फास्ट भी हो गया। हाँ फास्ट तो हो गया। अच्छा इसको कार में लगा सकते हैं? हाँ कार में लगा सकते हैं। हाँ कितना क्यूट सा, मुझे चाहिए। हाँ ले लो, 1,00,000 रुपए में एक। हाँ एक फैन तो बनता है। मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, जैसे कि ये छोटू सा क्यूट सा फ़ैन, और मैंने बहुत सारी चीज़ें ना छोटू सा सेव करके रखा हुआ है। मैं जब ले लूँगी ना आपको दिखाऊँगी, अमेज़ॉन पे सेव किया हुआ मैंने छोटा छोटा बहुत सारा चीज़, छोटा सा कुकर भी। तो मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया। तब तक मैं अम्ब्रेला देख लेती हूँ, अम्ब्रेला की भी तो ज़रूरत पड़ती है, बट मुझे स्मॉल वाला चाहिए। इसका प्रिंट तो अच्छा लग रहा है, देखती हूँ बाकी का भी। ये बच्चा कब से घूम रहा है, इतना छोटा सा है। ये क्या लिया है ये? अरे बाबा भीड़ तो बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिलिंग के टाइम में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे बहुत, फिलिंग कराने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत लंबी लाइन है। मैं घर गई थी ना तो मम्मी ने काफ़ी सारा अचार बना करके दिया था, तो वो प्लास्टिक के डब्बे में था। तो यहाँ मम्मी बोल रही थी कई दिन से कि जो कांच वाला होता है ना वो ले लेना, उसमें सेफ़ रहता है। और ट्रैवल के लिए तो कांच वाला सेफ़ होता नहीं है, एक बार हमारे यहाँ बहुत पहले आ रहा था कांच वाले में तो वो टूट गया था उसमें, तब से मम्मी जो है ना प्लास्टिक वाले में देती हैं। तो मेरे पास तो कांच वाला था नहीं, लेकिन यहाँ पर मम्मी बोली कि नहीं रख लो, ज़रूरत पड़ जाती है, और अचार अचार तो उसी में रखना चाहिए, सेफ़ भी रहता है और सही भी रहता है। और वाशु यहाँ पर मम्मी को फ़ैन दिखा रहा है छोटा वाला, और इन्होंने ना मम्मी से बताया कि मम्मी ये सेव करके रखी हुई है छोटी छोटी चीज़ें, तो मम्मी हंसने लगी कि नहीं अब खेलेंगी क्या। मैंने कहा मम्मी खेलेगी, कोई उम्र थोड़ी थी, कभी भी खेलना चाहिए, आप भी खेलिएगा मेरे साथ। तो मम्मी हंसने लगी। और यहाँ पे चाकू छिल्ली नहीं लेके आई मैं, वो भी चाहिए था तो भूल गई थी उस टाइम। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं कभी कहीं जाऊँगी तो लेते आऊँगी। तो जो जो चीज़ें मैं लेकर के आई थी ना वही सब मम्मी को दिखा रही थी। हवा दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा दिया हुआ है, इसका ग्रिप देखो और इतना छोटा सा है। हाँ देखिए ये है, ये बस इतना सा छोटू सा, हवा अच्छे से लग रहा है। क्यूट सी वाइफ के लिए क्यूट सा फैन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आता नहीं सहेंगे यार। नहीं आता चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है बाय बाय।
तुम कोयल की तरह तो कू कू करो ना कोयल की तरह। फिर से करो बाय। वो एक पैरेट है, वो इसी तरीके से बाय बोलता है। मोबाइल में मैंने देखा था तो वाशु कैसे बाय करता था वो। बाय। उसका दिखाइए। बाय बाय। माँ बेटे दोनों ही तोता बन गया। बाय। ठीक है। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।